स्पाइन इंस्टीट्यूट के डॉक्टर आलोक शर्मा ने स्टेम सेल थेरेपी के जरिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज करने का दावा किया है। डॉक्टर आलोक की माने तो इसके जरिए मरीज 80 से 90 प्रतिशत ठीक हो जाते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मामले दुनिया भर में सभी वर्गों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके कुछ स्वरूप दूसरों की तुलना में अधिक आम है। ये बच्चों में सबसे आम बीमारी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मांसपेशियों की बीमारियों का एक समूह है, जिसमें खासकर तीन बातें आम होती हैं, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रगतिशील होती है और प्रत्येक प्रकार के असामान्य अभिलक्षण और मांसपेशियों में कमजोरी के चुनिंदा पैटर्न्स होते हैं। दवाओं के इस्तेमाल से लक्षणों में सुधार तो हो जाता है, लेकिन उसके लक्षण फिर भी कहीं ना कहीं रह जाते हैं। डॉक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में अभी लोगों में बहुत कम जागरूकता है। अभी तक कई ऐसी जगहें हैं जहां लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। कई लोग इस बीमारी को पोलियो समझकर लंबे समय तक भ्रम में रहते हैं और तब तक इस बीमारी के लक्षण नजर नहीं आते। उन्होंने कहा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऐसी बीमारी है जो गंभीर रूप से दुर्बल कर देती है और व्यक्ति के जीवन काल और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। उन्होंने बताया कि अब तक 43 से अधिक देशों के 4500 मरीजों का उपचार हो चुका है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए आज तक कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था, और इसमें जो ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उनमें सब पेशेंट्स की 25 के आसपास डेथ हो जाती थी। पर अब एक नया ट्रीटमेंट आया है जिसको बोला जाता है स्टेम सेल थेरेपी। ये स्टेम सेल थेरेपी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियाँ और दूसरे जैसे बच्चों में जिनको ऑटिज़म होता है, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, इन बीमारियों में स्टेम सेल थेरेपी का बहुत फ़ायदा है। जो एडल्ट्स हैं जिनको पैरालिसिस है, जैसे लकवा हो जाता है ब्रेन स्ट्रोक के बाद या एक्सीडेंट के बाद जिनके पैर चलने बंद हो जाते हैं, उन पेशेंट्स में भी, पैरालिसिस के पेशेंट्स में भी बहुत फ़ायदा होता है। स्टेम सेल थेरेपी ये ट्रीटमेंट है जहाँ हम बॉडी में से ही और पेशेंट की हड्डी में से ही बोन मैरो निकाल के उसमें स्टेम सेल ले अलग करके पेशेंट में डाल देते हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंडिया का लीडरशिप है, और जो पूरे वर्ल्ड से पेशेंट अभी इंडिया में आ रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी कराने, और कई बीमारियां हैं जिनका अब तक कोई इलाज नहीं था, स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा अभी हम उनका इलाज कर सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं, उनके माइंड में पावर दे सकते हैं और उनके हाथ पैर में नई ताकत दे सकते हैं। वहीं इस बीमारी से ग्रस्त दीन बंधु ने बताया कि वे काफी समय से इस बीमारी से ग्रस्त थे, लेकिन जब से स्टेम सेल थेरेपी लेना शुरू की तब से वे काफी हद तक ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के होने के बाद लोगों की जीवन आयु कम हो जाती है, लेकिन इस थेरेपी से वे ठीक हैं। मुझे DMD है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मींस उसका सीवियर फॉर्म है DMD, जिसमें ग्रेजुअल डिग्रेडेशन इन द मस्कुलर स्ट्रेंथ होता है। तो ये बचपन से था मेरे में, तो धीरे धीरे ये बढ़ता गया। पहले मैं वॉकिंग पोजीशन में था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, तो फिर अब व्हीलचेयर बाउंड हो गया हूँ, लेकिन प्रोग्रेशन अभी रुका नहीं था, ये बढ़ता जा रहा था। तो मुझे जब न्यूरोजेन के बारे में पता चला कि यहाँ पे स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू इसकी ट्रीटमेंट हो रही है, तो मैं वहाँ पे गया तो ट्रीटमेंट कराया, तो जब से कराया तब से ये इसकी प्रोग्रेशन रुक गई है। लेकिन ये ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे ऐसा खुद से फील होता है कि आई एम गेटिंग स्ट्रेंथ। कैमरामैन बलविंदर आर्य के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।